हेलो फ्रेंड्स, हमने फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। आज हम फंक्शन ओवरलोडिंग का और एक एग्जांपल करेंगे जिसमें हमें सर्कल का एरिया एंड रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो एरिया वर्ड रिपीट हो रहा है, वन सर्कल के एरिया के लिए एंड सेकेंड रेक्टेंगल के एरिया के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे अपने फंक्शन का नाम एरिया रखेंगे। दो हमारे पास फंक्शन होंगे एरिया नाम से, जिसमें पहले वाले में हम सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे और सेकंड में हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो ये अभी हम किस तरीके से करना होगा, तो हम अपने प्रोग्रामिंग पार्ट में आ जाते हैं और वहां पे हम ये एरिया को फाइंड करेंगे। सो हमने क्लास बनाया है, क्लास का नाम हम यहाँ पे शेप रखेंगे, है ना, बिकॉज इन क्वेश्चन में मेंशन किया है डिफाइंड क्लास शेप। तो हमने क्लास का नाम शेप कर दिया, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल एंड रेक्टेंगल ओवरलोड मेथड एरिया। सो हमने यहाँ पे पहला फंक्शन बनाया एरिया, जिसमें हमने फंक्शन को रेडियस पास किया है क्योंकि हमको सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। हमने यहाँ पे इसको प्रिंट करवा दिया। नाउ नेक्स्ट फंक्शन हमने बनाया, ये भी एरिया नाम से ही बनाया है। आप ध्यान से देखिए, फंक्शन को दो पैरामीटर पास किया है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट में पहला पॉइंट आ जाता है कि फंक्शन के नाम सेम होने चाहिए। तो इस वक्त हमारे प्रोग्राम के अंदर एरिया नाम के दो फंक्शन है, सो नेम रिपीट हो रहा है, ये पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर ऑफ पैरामीटर अलग अलग होने चाहिए। तो फर्स्ट वाले फंक्शन में एक पैरामीटर है और सेकेंड फंक्शन में दो पैरामीटर है, तो हमारे एरिया के रूल फॉलो हो रहे हैं। ओके, हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसी के ऊपर आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। आज हम सर्कल का एरिया एंड रेक्टेंगल का एरिया के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे सर्कल का एरिया एंड रेक्टेंगल के एरिया, सो एरिया वर्ड रिपीट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे जिसमें क्लास का नाम शेप रहेगा और उसमें हम एरिया नाम के दो फंक्शन बनाएंगे। एक फंक्शन सर्कल का एरिया कैलकुलेट करेगा और दूसरा फंक्शन रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेगा, और इस तरीके से हम फंक्शन ओवरलोडिंग कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम अपना ब्लू जावा का प्रोग्राम ओपन करते हैं और वहां पे हम चेक करेंगे कि ये हम किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्लास अवेलेबल है, क्लास का नाम शेप है। ओके, और शेप क्लास के अंदर हम एक फंक्शन बनाया है रेडियस नाम एरिया नाम से, और उसमें रेडियस हमने एज अ पैरामीटर पास किया है। एरिया सर्कल के लिए हम जब कैलकुलेट करेंगे तो उसमें पॉइंट वाली वैल्यू आएगी क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 है। सो हमको रिसीवर वेरिएबल का डाटा टाइप डबल रखना पड़ेगा, चाहे हमारा रेडियस इंटीजर में है तो भी। सो यहाँ पे 3.14 डबल डाटा टाइप की वैल्यू है। सो हमने यहाँ पे सर्कल का एरिया कैलकुलेट किया और प्रिंट किया। नाउ इन नेक्स्ट फंक्शन हम रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसमें हमने लेंथ एंड ब्रेथ पास किया है। यहाँ पे आप देखिए, पहला वाला जो फंक्शन है उसमें एक पैरामीटर है और सेकंड फंक्शन में दो पैरामीटर है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग के जो मेन पॉइंट है उसमें पहला पॉइंट है फंक्शन का नाम सेम होना चाहिए, सो हमारे पास प्रोग्राम में एरिया नाम के दो फंक्शन है। दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए, सो एक में एक पैरामीटर है और सेकंड वाले फंक्शन में दो पैरामीटर है। हमने यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ को मल्टीप्लाई किया, हमें रेक्टेंगल का एरिया मिलेगा। तो जस्ट कंपाइल कर लेते हैं अगेन, कोई एरर नहीं है, और अब हम इसको एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे। सो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे हम यहाँ पे। ओके, अगर हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है, हम ये वाले पार्ट को अभी स्किप कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे फंक्शन के पहले स्टैटिक वर्ड लगा देंगे। ओके, ये सब हम टॉपिक हम काफी डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हमारा फिलहाल वो पॉइंट नहीं है। स्टैटिक फंक्शन के लिए हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ता है, हम डायरेक्टली उसको कॉल कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि आप रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं कि सर्कल का। सो सपोज मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल वाला पहले सिलेक्ट किया, सो मैं यहाँ पे दो वैल्यू पास कर रही हूँ, सपोज 90 एंड 60, 90 इंटू 60
आंसर आ गया. एग्जैक्टली सेम वे हम यहाँ पे सर्कल के एरिया वाले फंक्शन को एक बार कॉल करके चेक कर लेते हैं. रेडियस में मैंने सपोज 50 पास कर दिया, तो उस हिसाब से हमको सर्कल का एरिया का भी आंसर मिल गया. तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा हम एरिया किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग टेक्निक. ओके, सो थैंक यू. और इसी तरीके से हम फंक्शन ओवरलोडिंग के और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं. जैसे कि हमने ASCII वैल्यू के लिए हमने एक बार प्रोग्राम किया था, तो वो प्रोग्राम भी हम फंक्शन ओवरलोडिंग के मेथड से कर सकते हैं. सेम वे अलग अलग शेप के वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम नाम का फंक्शन भी आप ओवरलोड कर सकते हैं, जिसमें क्यूब, स्पीयर, ऐसे अलग अलग शेप जो आपके पास होते हैं उनका वॉल्यूम फाइंड आउट करने का प्रोग्राम भी बना सकते हैं. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.